बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। यदि आप पाई नेटवर्क के अंदर माइनिंग करते हो और ईगल नेटवर्क के अंदर माइनिंग नहीं करते हो, या आप पाई नेटवर्क और ईगल नेटवर्क दोनों के अंदर माइनिंग करते हो, तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। आज हम इस वीडियो के अंदर ईगल नेटवर्क के अंदर बहुत से लोगों का कन्फ्यूजन है, आखिर रिडीम क्या है। जी हाँ, ईगल नेटवर्क के अंदर रिडीम क्या है, और जिस प्रकार पाई नेटवर्क का एक पाई वॉलेट है, उसी प्रकार से ईगल नेटवर्क का वॉलेट कौन सा है, जैसे क्रिप्टो कोरा, और क्रिप्टो कोरा के अंदर क्या है कुछ लोगों को समझ में भी नहीं आता है। तो बिल्कुल ये वीडियो स्पेशल वीडियो होने वाला है ईगल नेटवर्क के अंदर माइनिंग करने वालों को। यदि आप पाई नेटवर्क के अंदर माइनिंग करते हो, ईगल नेटवर्क के अंदर माइनिंग नहीं करते हो, तो आपको ईगल नेटवर्क के अंदर भी माइनिंग करना स्टार्ट कर देना चाहिए। क्योंकि ईगल नेटवर्क की टीम की हम बात करें तो सिंपली पाई नेटवर्क की टीम जिस प्रकार से मेहनत कर रही है पाई कॉइन की वैल्यू को लेकर या पाई कॉइन को आने वाले समय के अंदर अच्छा बनाने के लिए, तो सिंपली यहाँ पर ईगल माइनिंग नेटवर्क की टीम की बात करें तो वो यहाँ पर बहुत ही मेहनत कर रही है। ईगल नेटवर्क के अंदर यहाँ पर आपको हर दो दिन के अंदर एक अपडेट देखने को मिलेगी ईगल कॉइन को लेकर, ईगल कॉइन को रिडीम को लेकर। इस वीडियो के अंदर आपको यहाँ पर ईगल नेटवर्क के अंदर आप माइनिंग करते हो तो रिडीम को लेकर भी कंफ्यूजन आपका दूर होने वाला है। यदि आप ईगल नेटवर्क के अंदर पहले से माइनिंग नहीं करते तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा और रेफरल कोड भी दे दूंगा, आप ज्वाइन हो सकते हो। तो सिंपली बात करते जो यूजर ईगल माइनिंग नेटवर्क के अंदर कॉइन की माइनिंग करते हैं और उनको ये कंफ्यूजन है ईगल नेटवर्क के अंदर ये रिडीम क्या है। जी हाँ, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ईगल नेटवर्क के अंदर बार बार ईगल कॉइन का रिडीम को लेकर अपडेट आ रहा है और क्रिप्टो कोरा वॉलेट को लेकर। आखिर ये रिडीम क्या है और हम किस प्रकार से रिडीम कर सकते हैं ईगल कॉइन का, तो यदि आप जानना चाहते हो ईगल नेटवर्क में रिडीम क्या है तो मैंने पहले से एक वीडियो बना दिया है, दो दिन पहले ही बनाया है। उस वीडियो की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आपको वो वीडियो देखने के बाद कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कि ईगल नेटवर्क के अंदर रिडीम क्या। अब बात करते हैं कि रिडीम कैसे करते हैं, तो इसके लिए पहले यहाँ पर अपडेट भी देख सकते हो आप। ईगल नेटवर्क की इस न्यू अपडेट के अंदर ईगल नेटवर्क ने बताया है कि आप किस प्रकार से अपने ईगल कॉइन को देख सकते हो, जी हाँ, रिडीम किए गए को। तो सिंपली हम पहले बात करते हैं कि रिडीम क्या है, तो यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हो रिडीम, यहाँ पर पहले एड्स का यहाँ पर दिख रहा होगा, फिर रिडीम और यहाँ पर मोर ईगल। तो यहाँ पर रिडीम पर मैं भी क्लिक करता हूँ, यहाँ पर पूरी प्रोसेस आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपका कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा ईगल माइनिंग नेटवर्क को लेकर इस वीडियो को देखने के बाद। तो सिंपली यहाँ पर आपको रिडीम की बात करें तो हम अपने कॉइन किए गए पहले यहाँ पर देख सकते हो माइन किए गए कॉइन, और यहाँ पर नीचे आपको दिख रहा होगा स्टेक। जी हाँ, सिंपली यहाँ पर पहले आपको स्टेक करना पड़ेगा, स्टेक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने स्टेक कर लिया है, मुझे यहाँ पर 29 दिन और 5 यहाँ पर डे हाउस इनके अंदर मुझे वापस यहाँ पर स्टेक करना पड़ेगा। अब रिस्टेम करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे दिख रहा होगा रिडीम। जी हाँ, हम अपने ईगल नेटवर्क के अंदर जिन कॉइन की माइनिंग किए उनको अपने ईगल वॉलेट यानी क्रिप्टो कोरा वॉलेट के अंदर एक्सचेंज करने को ही रिडीम कहते हैं, यानी अपने ईगल कॉइन को वापस हम क्रिप्टो कोरा वॉलेट में किस प्रकार से पाए उसे रिडीम करते। तो सिंपली मैं यहाँ पर अभी आपको दिख रहा होगा रिडीम, रिडीम पर क्लिक करते ही यहाँ पर दिख रहा होगा, सिंपली मैं रिडीम पर अभी क्लिक करता हूँ। रिडीम पर क्लिक करते ही देख सकते हो रिडीम ईगल कॉइन, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर ईगल कॉइन भी दिख रहा होगा, टोटल रिचार्ज भी दिख रहा होगा यहाँ पर रिडीम के लिए, और मैंने यहाँ पर 10 कॉइन का रिडीम कर दिया। जी हाँ, यहाँ पर मैंने 10 ईगल कॉइन का रिडीम किया है, और अभी मेरे पास बैलेंस की बात करें तो 1151 यानी यहाँ पर कॉइन है, और यहाँ पर मुझे मात्र 29 दिन के बाद यानी पहले सप्ताह के अंदर मुझे क्रिप्टो कोरा के अंदर रिडीम किए गए पूरे कॉइन मिल जाएंगे। अब कंफ्यूजन है क्रिप्टो कोरा वॉलेट को लेकर यानी ईगल नेटवर्क के वॉलेट को लेकर, तो सिंपली मैं उसी को भी लेकर बता देता हूँ। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो मेरे मोबाइल के अंदर की क्रिप्टो कोरा। जी हाँ, तो सिंपली मैं यहाँ पर अभी क्लिक करता हूँ, सिंपली आप देख सकते हो मैंने क्रिप्टो कोरा एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है, और यहाँ पर ईगल कॉइन की यहाँ पर जो एड्रेस है
इसको मुझे कॉपी करना पड़ेगा इगल नेटवर्क केंद्र रिडीम करने के लिए। तो सिंपली मैं यहाँ पर आपको रिडीम करके दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो इगल नेटवर्क के अंदर रिडीम करने के लिए। तो सिंपली यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कॉपी, यहाँ से मुझे अभी एड्रेस कॉपी कर लेता हूँ। एड्रेस कॉपी कर लिया है, इसके बाद यहाँ पर आपको जाना होगा इगल नेटवर्क के अंदर। इगल नेटवर्क के अंदर यहाँ पर आपको नीचे दिख रहा होगा रिडीम नाउ, तो सिंपली रिडीम नाउ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर अपना वो एड्रेस कॉपी करना है। जी हाँ, मैंने यहाँ पर वो एड्रेस कॉपी किया था, वो यहाँ पर डाल दिया है। इसके बाद यहाँ पर आपको अमाउंट डालना है, मैंने पहले रिडीम किया था, मैंने 10 इगल डाला था, तो सिंपली मैं यहाँ पर अभी 10 इगल और डाल देता हूँ और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रिडीम। तो सिंपली मैं रिडीम पर क्लिक करता हूँ, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है यू कैन रिडीम, यानी मैंने रिडीम पहले कर चुका हूँ, अब मुझे एक महीने के बाद ही मैं यहाँ पर रिडीम कर पाऊंगा। जो मैंने पहले 10 इगल रिडीम किए थे वो मुझे क्रिप्टोकोरा एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर अभी आपको दिख रहा होगा 0.00 ENA, तो यहाँ पर वो 10 इगल सो हो जाएंगे। इस प्रकार से हम अपने कोइन का रिडीम कर सकते हैं। तो इस चैनल पर पाई नेटवर्क और इगल माइनिंग नेटवर्क की न्यू अपडेट आते ही हिंदी के अंदर भी जानकारी मिल जाएगी। यदि आप अभी तक हमारा वीडियो देख रहे हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपका कुछ भी डाउट हो पाई नेटवर्क को लेकर और इगल माइनिंग नेटवर्क को लेकर तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना।